राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 98 स्थापना दिवस के मौके पर रतलाम नगर में पथ संचलन निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक भाग लेने पहुंचे। संचलन की शुरुआत में पद्धति अनुसार ध्वज प्रणाम, प्रार्थना, गीत व बौद्धिक हुआ, जिसके बाद स्वयंसेवक घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए एक साथ निकले। सोमवार को 4 उपनगर से कुल 19 पथ संचलन निकले, जिनमें 2000 के करीब स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में कदम ताल करते हुए निकले। सेगांव के देवी श्री लालबाई फूलबाई माता मंदिर परिसर में तिवारी परिवार द्वारा खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम का आकर्षक दरबार सजाया गया। वहीं बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। इस मौके पर मक्सी के भजन गायक अमित पारिक व गायिका पूजा प्रजापति ब्यावरा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्याम भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 10 नवंबर को भिंड जिले के लहार में बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करेगी। इस संबंध में बसपा प्रत्याशी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बसपा सुप्रीमो 10 नवंबर को लहार आएंगी। इस दौरान वह बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। देवास सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नाबालिग सहित 4 युवकों को हिरासत में लिया और साथ ही उनकी तलाशी लेने पर 12 कछुए बरामद किए। सिविल लाइन थाना प्रभारी अजय चांदना ने बताया कि कछुए कहां ले जा रहे थे, इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। बुरहानपुर निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। इसके बाद गांधी चौक में सभा आयोजित हुई। रैली संजय नगर से प्रारंभ होकर शिकारपुरा, महाजनापेट, तिलक चौराहा, पांडुमल, गांधी चौक पहुंची, जहां हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।